नहीं, चाहते ये हैं कि इस वक्त बिहार में जो एनडीए से टूटकर अलग होने वाली पार्टियों ने अपना अलग गठबंधन बनाया है और जिसके चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जनाब नीतीश कुमार साहब ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेजस्वी साहब ने ओथ ले लिया है और मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन होना है, तो MIM अपनी जानिब से बिहार के माइनॉरिटीज़ की तरफ से ये वकालत करती है और मुतालबा करती है कि माइनॉरिटी के दरमियान में से एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। चूँकि नए सरकार में जो इनके घटक दल हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट शेयर अगर किसी का है तो माइनॉरिटी का है, और इससे पहले की जो सरकार थी उसमें भी दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ माननीय मुख्यमंत्री सरकार चला चुके हैं। इस वक्त आंध्रा में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी 1 से ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और इस वक्त जाति आधारित राजनीति का जो चलन चला है, गर्चे हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जिन जातियों को प्रॉपर शेयर नहीं मिला है उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है, तो कम अज़ कम मुस्लिम माइनॉरिटी में से किसी एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए।